हर साल की तरह पहिया मेत्ता संघ प्रज्ञागिरी द्वारा 30वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी पर्वत पर रविवार दिनांक 6 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया। ज्ञात हो डोंगरगढ़ स्थित इस पर्वत में तथागत सम्यक संबुद्ध की 30 फीट की प्रतिमा स्थापित करने और इसे प्रज्ञागिरी नाम से विश्व में प्रसिद्ध करवाने का श्रेय पहिया मेत्ता संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्मदूत पूज्य भदंत संगरत्न मानके जी को जाता है। इन्हीं की अगुवाई में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन अनुयायियों द्वारा किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम की शुरुआत नागसेन बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना से किया गया। तत्पश्चात प्रज्ञागिरी पहुंचने के रास्ते पर स्थापित बुद्ध प्रतिमा के समक्ष पूजा वंदना करते हुए पूज्य भिक्खु संघ का जत्था पहिया मेत्ता संघ प्रज्ञागिरी और पहिया मेत्ता यूथ के सदस्य प्रज्ञागिरी पहुंचे। तथागत सम्यक संबुद्ध की 30 फीट की प्रतिमा के समक्ष विश्व शांति और संसार के तमाम प्रकार के दुख से पीड़ित लोगों को परम सुख प्राप्त करने के लिए पूजा वंदना परित्राण पाठ जापानी भाषा और पाली भाषाओं में किया गया। प्रज्ञागिरी में पहिया मेत्ता संघ के माध्यम से 30वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। 30 वर्ष पहले जो पहिया मेत्ता संघ ने इस पर्वत के ऊपर से पर्वत के ऊपर में जो धम्म चळवळ की नींव डाला था, जो धम्म चळवळ का एक सपना देखा था, उसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ 30वां अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया पहिया मेत्ता संघ के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद है, जिनकी आशा अपेक्षा है कि इस प्रज्ञागिरी में जो नींव रखा था, जिस उद्देश्य को लेकर इस प्रज्ञागिरी का कार्य शुरुआत किया था, वही कार्य चलते रहे, इन सबकी आशा अपेक्षा आकांक्षा है। इस आशा को रखकर तथागत सम्यक संबुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध धम्म के माध्यम से क्या करना चाहिए, बुद्ध धम्म के माध्यम से किस तरह आदमी जीना चाहिए, उस उपदेश को लेकर उपदेश किया है। उसी उपदेश को लेकर आज यहाँ उपस्थित हम सभी ने जिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए इस भूमि का इस्तेमाल करें, ना तो अपने आसक्ति को संपन्न करने के लिए यहाँ का इस्तेमाल करें। आज इस पर्वत के ऊपर जो 30वां अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, पहिया मेत्ता संघ डोंगरगढ़, पहिया मेत्ता संघ डोंगरगढ़ यूथ ही नहीं, यहाँ का शासन, पुलिस, वो तमाम लोगों के सहकार के कारण संपन्न हो पाया। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में अनुयायी और साथ ही विशेष रूप से पहिया मेत्ता संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष धम्मदूत भदंत संगरत्न मानके, जापान के पहिया मेत्ता संघ मुख्य सभापति पूज्य भदंत खोशोतानी, जापान के तेंदाई संघ के पूर्व अध्यक्ष पूज्य भदंत न्योको निशियोका, जापान पहिया मेत्ता संघ के कार्य अध्यक्ष पूज्य भदंत सोंझे आराही और साथ ही तिब्बती बुद्ध विहार गोठनगांव महाराष्ट्र के पूज्य भदंत लोमझान तेंबा भी विशेष रूप से उपस्थित थे।